नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं JNI न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, नजर आपकी होगी, खबर JNI न्यूज की होगी। सिर्फ तेज ही नहीं, सच भी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के पावन अवसर पर बाराबंकी जनपद में राजनीतिक सामाजिक संगठनों के द्वारा ध्वजारोहण करके राष्ट्रीय त्योहार का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। इसी क्रम में ग्राम पंचायत जैनाबाद की प्रधान जय सिंह वर्मा एवं ग्राम प्रधान सुधीर कुमार वर्मा ने ध्वजारोहण कर बच्चों को संदेश दिया और उन्होंने मीडिया से क्या बातचीत की, आइए देखते हैं स्टेट हेड कुलदीप सिंह वर्मा की रिपोर्ट में। आज 26 जनवरी 1950 जो है हमारा संविधान लागू हुआ था भारत का, और ये हमारे देश का अमृत काल चल रहा है, 74वां गणतंत्र दिवस है, तो इसमें सभी छात्र छात्राओं अभिभावकों सभी का सहयोग जरूरी होता है। साफ सफाई, पढ़ाई, देश के युवा आगे भविष्य जो हैं, ये बच्चे ही आगे जो है देश के भविष्य होते हैं, इसलिए ये भी साफ सफाई देश के हित में काम करना, ये इनके लिए जागरूकता होनी चाहिए देश के प्रति, इन्हें बच्चों को भी मतलब सिखाना चाहिए। क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या संकल्प लेना चाहते हैं बच्चों की आज आजादी के महोत्सव पर, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या संकल्प लेना चाहते हैं? आज का संकल्प यही है कि देश जो है आगे बढ़ने की तरक्की के लिए बच्चे जो है पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएं और देश के सभी साफ सफाई ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस को और सभी जागरूकता लाएं, साफ सफाई पे विशेष ध्यान रखें। ग्राम पंचायत के प्रधान जी हैं, ये विद्यालय विगत कई वर्षों से बंद पड़ा है, तो बच्चों के भविष्य में ध्यान रखते हुए आपकी तरफ से क्या प्रयास की बच्चों को पुनः संचालित किया जाए, इस विद्यालय फिर पुरानी दशा में फिर संचालित हो? देखिए, हमारे गांव में सर्वोदय प्राथमिक विद्यालय है जो कि बंद नहीं था, किसी कारणवश थोड़ा सा रुकावट आई थी। जी जी, ठीक। हमारा प्रयास था, ये मैं प्रधान बनाऊँ, मेरा यही था और हमारे पूर्वजों का मतलब बुजुर्गों का कहना था, मांग भी थी कि हाई स्कूल को पुनः चालू कराए, जिससे कि गाँव के आम बच्चे हैं जो कि नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं बाहर जा पाते हैं, उनके लिए प्रयास किया जाए कि वो यहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके वो बाहर जाए, हमारे लगी जिले गांव का नाम रोशन करें, हमारे जिले का नाम रोशन करें, हमारे प्रदेश और हमारे भारत का नाम रोशन करें। सरकार से कोई प्रयास किए हैं? सरकार से हमने कई बार प्रयास किया कि यहाँ ये जो लैंड है समिति के नाम मतलब किया, जिससे कि अच्छी से देखभाल की जा सके, हालांकि गांव का पूरा सहयोग है, पूरे सभी गांव का समस्त गांववासी चाहते हैं कि स्कूल को पुनः चालू किया जाए और अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए। इससे पहले यहाँ हमारे गांव के काफ़ी लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं, अच्छे अच्छे पदाधिकारी हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में भी प्राइवेट अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, यहीं से पढ़ के गए हुए हैं। मेरा यही है संदेश है, सरकार से भी यही अनुरोध है कि हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय की तरफ ध्यान दें, देखें इसको किसी तरह से बढ़ावा दिया जाए। धन्यवाद।